आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया में M54 नहीं आएगा, F54 आएगा। बाहर कंट्रीज में लॉन्च कर दिया M54 एंड यहाँ पे लेके आ गए F54। हाँ तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F54 के बारे में जो कि लॉन्च हो गया इंडिया में। एंड यू ऑल नो ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ F54 5G, तो मैं वो स्पेसिफिकेशन अब नहीं बताने वाला हूँ कि इसमें ये मिल रहा है। वो मैंने ऑलरेडी आपको अब से 1.5 महीने पहले बता दी थी क्या मिलने वाला था एंड सब कुछ इसमें मिल गया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं उन चीजों के बारे में जो आपको थोड़ा निराश कर सकती है एंड इन दी अदर फॉर्म हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना कि 3 प्रॉब्लम्स 5 प्रॉब्लम्स 5 मेजर प्रॉब्लम्स। एंड आपके बाइंग डिसीजन पे जब भी इफेक्ट डालेंगे जब आपको पता होगा कि भाई मेल चीज मैटर करती नहीं करती है। अगर आपको चीज को लेना देना ही नहीं है तो वो आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वो कैसी भी सही भाई। आपको अगर गेमिंग करनी है आपको मतलब थोड़ी नहीं कैमरा कैसा है, सिंपल सी चीज है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो ज्यादा लंबी है नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, फालतू की बात करता नहीं हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं। देखो भाइयों, अगर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखोगे तो मोस्टली वीडियोस में आपको सब लोग उसकी तारीफ ही करते हुए बताएंगे क्योंकि यार उनको कंपनी ने यूनिट भेजी है, वो कंपनी के साथ स्पॉन्सर है वीडियो, तो वो तो कोई बुराई करेंगे नहीं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है एंड होप सो इन फ्यूचर भी ना हो। देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं आपको, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ कुछ कमी होती है। बट ये देखना आपका काम है वो जो कमी उस स्मार्टफोन में है वो आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करेगी। अब ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो और कोई अदर ब्रांड नहीं दे रही है, वो चीजें हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है। मेन जो हमारे टॉपिक है क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं, बस इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता जो ये जो कारनामा होता है ना, बस ये मुझे रुला देता है यार। 10 मिनट के अंदर अंदर ये लिखा गया यार, अब बताओ कैसे शूट करूं वीडियो। तो सबसे जो पहली चीज है वो है इसकी परफॉर्मेंस। ये नहीं बोला कि इसकी परफॉर्मेंस बेकार है, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग बहुत ज्यादा हार्डवेयर गेमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हैं 4K में। आपको कहीं ना कहीं किसी सर्टेन पॉइंट पे जाकर दिक्कत हो सकती है, तो अगर आपको पता है मेरा काम भाई बहुत ज्यादा हैवी है, मुझे तो बस परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो आपके लिए तो स्मार्टफोन बिल्कुल है ही नहीं। बट अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, आप एकदम कैजुअल अपना काम करते हो, अपना इधर से उधर अपना मल्टीटास्किंग कर लिया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसके लिए तो ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों कर रहा है सैमसंग यार। इस रेंज में तो यार हर स्मार्टफोन ब्रांड देती है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे नहीं है। अब ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जो मोनो स्पीकर होता है यार उसमें वाला मजा नहीं है। मैं पर्सनल खुद यूज करता हूँ, मुझे पता है डुअल स्पीकर और मोनो स्पीकर में कितना अंतर पड़ जाता है। अगर आप यूज करते हो तो आप इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करोगे कि भाई हाँ इफेक्ट तो पड़ता है। उसके बाद आपको जो उसकी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट सी मिलती है, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं है, सारा प्लास्टिक का स्मार्टफोन बना हुआ है। तो अगर आप किसी भी अदर स्मार्टफोन ब्रांड से कंपेयर करोगे तो आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी सैमसंग स्मार्टफोन की वो थोड़ी ऐसी मिलती है। इस प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन आ रहा है, मैं उस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लैक्सिप स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात याद में रखना। उसके बाद आपको इसमें कोई भी चार्जर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली चीज हो सकती है भाई। आप चार्जर लोगे 2000-2500 रुपये का अलग से, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज़ है ही है। चलो ठीक है, आपको इसमें चार्जर बॉक्स भी मिलता, बट एक और चीज़ काफ़ी कंसर्न वाली ये है, आपको पता है इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड आपको फिर भी जो मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है फास्ट चार्जिंग में मिलता है 25W का। भाई क्यों इतनी बड़ी बैटरी 25W, ये तो कुछ सेंस नहीं बनाई बात। एटलीस्ट 45W तो सैमसंग को देने चाहिए था, क्योंकि 45W उसका मैक्सिमम ये सैमसंग का, उससे ऊपर अब तक सैमसंग ने किसी में दिया ही नहीं है। तो अगर 45W दे भी देते तो एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी मैनेज हो जाती, और 25W से चीज़ें बिल्कुल भी, आई डोंट नो व्हाई व्हाट आर यू डूइंग सैमसंग, प्लीज डोंट डू दैट। आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो मिलती है, बट 30,000 का स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट, बट स्टिल आपको इसमें जो सेंसर मिल रहा है इन डिस्प्ले नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है साइड माउंटेड वाला। अब जैसे यार ये इन डिस्प्ले नहीं है उसमें आपको साइड माउंटेड मिल रहा है, तो ये भी एक चीज है। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगी, मैंने आपको बताया एंड अब आपका काम है, अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने जा रहे हो तो आप इन चीजों को देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए एंड उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देखिए ये चीज मेरे मैटर कर रही नहीं कर रही। हमारा काम बताना होता है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इसमें ये नहीं है तो मत लो, मैं आपको बोल दूं भाई वो आपका काम है ना, आपको समझना है, आपको सोच विचार करना उस चीज के बारे में। बस भाई ये थी वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लाइक कर देना, बहुत इधर उधर से जैसे वीडियो बनाई है ऑन मर गया, अब इससे शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे एडिट करने है, क्या करना है मुझे भी पता है। तो लाइक जरूर करके जाना और बस मिलता हूँ उसी वीडियो में, बाय।